ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 252। मुरली का विषय है पवित्रता। पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है। प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी। दोनों में पवित्रता पहले चाहिए, परंतु प्रत्यक्षता से पहले पवित्रता चाहिए और पवित्रता से ही पर्सनैलिटी का जन्म होता है। ये डेट है 5 फरवरी 1975, 252। रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाले विश्व के परम पिता शिव बाबा बोले। क्या बोले? आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना, अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे बाप से भी ऊंची, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं। आज ऐसी ऊंच आत्माओं को विशेष दो बातें, ऊंच आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। वे कौन सी हैं? एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरा रूहानी पर्सनैलिटी। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिनों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्वनामी ग्रामीण आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली हैं, तो ऐसे सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञान दाता, वरदाता, ज्ञान दाता और वरदाता हो, तो ऐसी रॉयल्टी है। वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है। पवित्रता है तो आप में रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। आप अपने को देखो, कितने परसेंट प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है। आप कितना न्यारे प्यारे शाही बनकर चलते, क्योंकि राजा बेटा, राजा चलेगा, राजा का बेटा चलेगा, उसकी आंख छोटी मोटी चीजों में थोड़ा डूबेगी, व्यर्थ में थोड़ा डूबेगी। रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु, हद की कोई भी विनाशी वस्तु वह व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होता। आकर्षण जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती, इधर उधर की छोटी मोटी चीजों में आंख नहीं डूबती, किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। अच्छा ये उसकी किसी गिरी हुई उठा लू, वो नहीं उठाए। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। अर्थात नयन नीचे नहीं होते, झुकते नहीं है, झुकते कब है? शर्म से। उनको कभी भी नहीं, नीचे नहीं। उनके बोल मधुर,
और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं। बहुत कम बोलेंगे परंतु वो बोलेंगे वो महावाक्य, फालतू नहीं बोलेंगे। और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव, नशा, उनके संपर्क में कोई आए तो उनको नशा अनुभव होता है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी, उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। रूहानी रॉयल्टी क्या है? उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती, आंख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात वो मिटाने का पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसे छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती, संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती, पर संकल्प में भी ना आए कि मैं दूसरे की वस्तु को। तो यह पुराने तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की है, ना कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? तो चीजें है ही शूद्रों की, कलयुगी पतितों की, उधर हमारे संकल्प कैसे जा सकते? और अगर धारणा करते हैं तो, शूद्रों की चीजें धारण कर लेते हो तो, जैसे कहावत है ना, कख का चोर सो लख का चोर। तो ये भी सेकिन मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी, वो शाही परिवार में आने वाली। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं, ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते। साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। समर्थ और स्नेह के बोल होते। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते कि आज ऐसे और इतने बोल बोले, ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता ये है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार की बजाय 10 बोल के सार में बोल। 50 शब्द जहां बोलने हैं वहां सारे कम से कम मतलब मिनिमम शब्दों में अपनी बात को सार। क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। दातापन की भी और वरदातापन की भी अनुभूति होनी चाहिए।
शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक के मन में ये गुणगान हो कि ये कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया, थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने। इसको कहा जाता है पारस के संग लोभा भी पारस हो जाए। वो लोहे जैसी आत्मा भी क्या बन गई? पारस बन गई। अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो? ऐसी रॉयल्टी अपने अंदर अनुभव करते हो? अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। वे तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई दे, चेहरे से दिखाई देगी। तब ही सर्व आत्माओं का उल्हाना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नैनों द्वारा बाई बाई की वृत्ति, अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल वा वाइब्रेशन परिवर्तित कर सके। जब लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी, शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल, सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाए। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना? ऐसे धरती के सितारे को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं, अच्छा, गोल्डन वर्शंस द्वारा गोल्डन एज लाने वाले सर्व के प्रति सदा रहम दिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति कराने वाले एक आत्मा को भी वंचित ना रखने वाले ऐसे सदा दाता रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी में रहने वाले सदा चमकते हुए सितारे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650
22270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं ओम शांति।